हाय एवरीवन, आज मैं एक हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। आई होप आज का जो रेसिपी है आपको पसंद भी आएगा और आप लोग घर पे जरूर बना के खाओगे भी। तो फ्रेंड, आज का जो रेसिपी है वो क्या है, वो है मेथी की साग, वो भी मैं बैगन के साथ बनाऊंगी। फ्रेंड, आप लोग आलू मेथी बनाती हो, मेथी की पराठा भी बनाती हो, लेकिन कभी आप लोगों ने बैगन के साथ मेथी साग को बनाया है? नहीं बनाया तो ये वाला वीडियो देखकर जरूर एक बार बना के खाना, क्योंकि ये रेसिपी हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। सबसे पहले मेथी साग को आपको अच्छे से साफ करना है एंड देन उसे आपको बारीक बारीक करके काटना है। मैंने एक कढ़ाई ले ली और बैगन को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट कर ली। कढ़ाई पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी। फ्रेंड, एक बात है, क्योंकि कोई भी हेल्दी रेसिपी जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों को ट्राई करना है कि वो कम ऑयल से बनाने के लिए, तो मैं पहले थोड़ा सा ऑयल दे दी एंड इस ऑयल पे मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने बैगन को फ्राई कर लूंगी, वो भी हल्दी और नमक के साथ। बैगन मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगी, इस बैगन को अलग से एक प्लेट में निकल के रख दूंगी। फ्रेंड, घर पे एक बार ये रेसिपी बना के खाइए। ये रेसिपी हेल्दी तो है फिर टेस्टी भी है। फिर मैंने कढ़ाई पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दी और मैं इसमें साग को ऐड कर दूंगी, लेकिन उससे पहले इसे क्या ऐड करना है, हरा मिर्च। हरा मिर्च के साथ साथ ही आपको इसके अंदर कटिंग किया हुआ साग को ऐड करना है। ये बहुत ही इजी और झटपट बनने वाला हेल्दी एक रेसिपी है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। आपको तो पता ही है कि साग में हल्दी नहीं ऐड करना चाहिए। मैं भी हल्दी नहीं ऐड करूंगी, लेकिन आप साग में हल्दी खाते हो तो आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर सकते हो। साग मेरा 90% फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगी, फ्राई किया हुआ बैगन को मैं इसमें धीरे धीरे ऐड कर दूंगी। जब भी मैं बैगन मेथी हो या आलू मेथी हो, जो भी मैं बनाती हूँ उसमें मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड साग होती है हेल्दी, तो इसे मसाला देने की कोई जरूरत है ही नहीं और ये टेस्टी भी है। एक बार इस तरीका से घर पे बना के खाइए, बहुत ही जल्दी फटाफट बनने वाला ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगा। आई होप आज का ये जो रेसिपी है आपको पसंद आए हैं। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं और एक नया हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड। आप लोग अच्छे रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलते हैं और एक नया यूनिक रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय।